ये 150 एएच की 60 मंथ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये 36 मंथ फुल रिप्लेसमेंट वारंटी है और इसका मॉडल नंबर है IT1560। ये मैंने ओपन कर ली है बैटरी, तो कुछ इस तरह की ये बैटरी है। इसके सामने ये लोगो लगा हुआ रहता है। अब इसका हम वजन कर लेते हैं। इसका वेट निकला है दोस्तों लगभग इसके अंदर 20 लीटर पानी निकलेगा। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कितना इसके अंदर स्क्रैप निकलेगा और कितना इसके अंदर वेट है और ये वेकअप कितना दे देगा। अब बात करते हैं इनके जो 3 साल की गारंटी में बैटरियां हैं लिवगार्ड की, सारे ही मॉडलों के प्राइस के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजू टेक ब्लॉग में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है लिवगार्ड इन्वर्टर बैटरी के रिव्यू के बारे में। इस समय बहुत गर्मी हो रही है और आप भी अगर इन्वर्टर या फिर बैटरी आप लेना चाहते हैं, आपको बैटरी की रिक्वायरमेंट है या इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और एक अच्छी बैटरी परचेज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको जो 3 साल के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल हैं 3 साल गारंटी में दोस्तों, उनका मैं आपको रिव्यू दूंगा, प्राइस वगैरह, बैकअप वगैरह, वजन वगैरह सब कुछ बतलाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर आपको इस समय इन्वर्टर बैटरी की रिक्वायरमेंट है तो लिवगार्ड आप ले सकते हैं। इस समय बहुत ही गर्मी हो रही है और गर्मी के मौसम में आपको इन्वर्टर बैटरी की ज़रूरत होगी। अगर आप इन्वर्टर बैटरी परचेज करना चाहते हैं तो मैं इस लिवगार्ड इन्वर्टर बैटरी का रिव्यू देने जा रहा हूं, जो कि एक कम बजट में अच्छी इन्वर्टर बैटरी है और ज़्यादा गारंटी में है। अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा गारंटी आपको चाहिए लॉन्ग गारंटी में, अच्छे बैकअप में, तो दोस्तों ये जो सेट है आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। मैं इसका आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ, इन्वर्टर का भी और बैटरी का भी। बैटरी के प्राइस वगैरह, वजन वगैरह, बैकअप वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसकी इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में, गारंटी वारंटी के बारे में और प्राइस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। ये है एक LG 750i मॉडल है इन्वर्टर का और इसकी गारंटी आपको 3 साल मिल जाती है और 3 साल वाली ही ये बैटरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं इन्वर्टर को और इसकी सेटिंग वगैरह, इसकी फिटिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूं। इन्वर्टर ओपन कर लिया है, वारंटी कार्ड निकला है जिस पर मॉडल नंबर वगैरह और इसमें वार कोड वगैरह होता है जो कि वारंटी में इस काम आता है, और यहाँ पर इसके टोल फ्री नंबर वगैरह है, व्हाट्सअप से आप इसको सर्विस के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। इसमें फीचर मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी मेंस है, मेन आने पर ये इंडिकेटर आपका शो होगा, चार्जिंग पर ये इंडिकेटर शो होगा, UPS ऑन पर ये होगा, ओवरलोड के लिए ये आता है दोस्तों, और लो बैटरी पर ये इंडिकेटर जलेगा, ये इको पर जलेगा, जो इको मोड आप अगर इसका ऑन करते हैं, और ये इसका पावर स्विच है इन्वर्टर का जो आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी लो होने पर बंद कर सकते हैं या फिर बाहर जा रहे हैं तो इसको ऑफ करके जा सकते हैं। ये इसका लिवगार्ड का लोगो यहाँ पर आपको मिल जाता है, LG 750i मॉडल इसमें लिखा हुआ है नीचे ही। अब इसी के साथ दोस्तों इसमें यहाँ पर सारे फीचर लिखे हुए हैं, इन्होंने पहले ही दे रखे हैं। इस इन्वर्टर पर आप 90 AH से लेकर के 160 AH की बैटरी इस पर आप लगा सकते हैं। आप इस पर 180 की भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ी देर से चार्ज होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब ये मॉडल तो दोस्तों LG 750i है, लेकिन इसमें VA कितना आता है, VA रेटिंग इसमें 600 से 700 VA रेटिंग इसमें आ जाती है, ये मेंशन किया हुआ है, कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है व्यापक वोल्टेज, यानी कि कम ज़्यादा उतार चढ़ाव में वोल्टेज, चार्जिंग एवं लंबे बैकअप के लिए अनरेगुलेटेड मोड में रखें, यदि कंप्यूटर इस्तेमाल करना हो तो उससे पहले स्विच को रेगुलेटेड मोड में बदल दें। तो उसका दोस्तों ये है रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। तो इसमें आपका जो इको मोड यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है, ये इको मोड, अगर आप इको मोड पर रखते हैं तो आपको रेगुलेट पर, अनरेगुलेट पर रखना होगा, और
अगर आप कंप्यूटर वगैरह ऑन करते हैं, इससे चलाते हैं कंप्यूटर वगैरह, तो रेगुलेट पर आपने कर देना होगा। तो ये अनरेगुलेट पर आपका इको मोड आ जाएगा और रेगुलेट पर आपका नॉर्मल मोड रह जाएगा। एक स्विच छोटा सा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, LMH इसमें लिखा हुआ है। तो LMH का मतलब है लो चार्जिंग, मीडियम चार्जिंग, हाई चार्जिंग। इसको आप किसी भी मोड पर सेट कर सकते हैं अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये ट्यूबुलर बैटरी और SM लीड एसिड, FP मतलब लोकल बैटरी, आप जिस बैटरी भी आप लगाते हो, जो भी बैटरी आपने लगाई है, ट्यूबुलर लगाई है या लोकल लगाई है, ये आप सेट कर सकते हैं। आपको एक यहाँ पर फ्यूज मिल जाता है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए या लोड वोड की प्रॉब्लम आ जाए शॉर्ट सर्किट में, तो दोस्तों ये फ्यूज उड़ जाता है। यहीं पर ये फैन आपको मिल जाएगा, एक में आपको ये 6 एम्पियर की मेन लीड मिल जाती है। और यहीं पर आपको बैटरी के लिए कॉपर वायर मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका इन्वर्टर का रिव्यू हुआ। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी में दोस्तों ये 150 AH की 60 मंथ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये 36 मंथ फुल रिप्लेसमेंट वारंटी है। और इसका मॉडल नंबर है IT1560TN। इसी में दोस्तों और बैटरियां भी आती हैं बिल्कुल मिलती जुलते नाम से, यहीं पर खेल हो जाता है कस्टमर के साथ। कस्टमर कहता है कि दूसरी जगह 12,000 की या 12,500 रुपए की बैटरी है और आपके यहाँ पर 13,000-13,500 रुपए की बैटरी है, तो उसमें खेल हो जाता है। ये दोस्तों मेरे पास कुछ मॉडल हैं बैटरियों के, जिन पर वारंटी AH लिखा हुआ है और मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इनके प्राइस भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये सबसे पहले 36 मंथ वारंटी में जो बैटरी आएगी 1560STJ जंबो बॉक्स होगा दोस्तों। ये जो नीचे वाली बैटरियाँ होती हैं उस टाइप की होगी, जंबो बॉक्स 150 एम्पियर की बैटरी होगी और 36+24 है ये, तो 36 महीने की इसकी फुल रिप्लेसमेंट वारंटी होगी। जितने भी मॉडल हैं इनकी 36 मंथ की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी है, फ्री रिप्लेसमेंट। अब इसी के साथ दूसरी बैटरी है 1560TN, ये फुल IT है, यहाँ पर फुल IT लिखा हुआ है। अब यहीं पर खेल हो जाता है जो ऊंची वाली बैटरियाँ हैं। ये जो बैटरी हमारे पास है जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, 150 AH की 36+24 है, तो इनमें सिर्फ हल्का सा अंतर है नंबरों में और मॉडल में, लेकिन बैटरी में बहुत अंतर आ जाता है और रेटों में भी कम से कम 1,000 रुपये का अंतर आ जाता है इन दो बैटरियों में। ये भी 1560 तीसरी बैटरी है दोस्तों, 1560STJ, तो यहीं पर खेल हो जाता है। कस्टमर जब दूसरी दुकान पे पूछने जाएगा तो ज़्यादातर दुकानदार ये 1560STJ मॉडल रखते हैं, क्योंकि इसमें बचत उनको ज़्यादा होती है। यहीं पर खेल हो जाता है, दुकानदार खेल कर देते हैं। ये शॉर्ट IT होती है और ये भी 150 एम्पियर की है, 36+24 है। सिर्फ STJ और TN ये मॉडल, इस नाम इसका चेंज हुआ है, सिर्फ ये नंबर इसके चेंज हुए हैं, TN STJ, बाकी सेम इसके वारंटी सेम लिखी हुई होगी बॉक्स पर। और 1560 दोनों का मॉडल है, ये फुल IT है, ये शॉर्ट IT है, इनमें दोनों में 1,000 रुपये का अंतर होता है। अब चौथे नंबर पर आती है 1860TT फुल IT, ये 180 AH की बैटरी है, 36+24 में आती है। और एक ये है 2060TT फुल IT, ये 200 AH की बैटरी है, ये भी 36+24 में आएगी। जो 3 साल की गारंटी में बैटरियां हैं लिवगार्ड की, सारे ही मॉडलों के प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले जंबो बॉक्स की आती है दोस्तों 150 AH 3 साल की गारंटी में। इसका प्राइस 11,500 रुपये है और ये 1560TN फुल IT, फुल IT वाली 13,500 रुपये की आपको 3 साल में इस समय पड़ेगी। और शॉर्ट IT 1560 150 AH 36 महीने में, ये आपको दोस्तों 12,500 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। और ये 1860TT फुल IT 180 AH की बैटरी है दोस्तों, 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट गारंटी में, इसका जो प्राइस है 14,500 रुपये है। और ये 200 AH की बैटरी है 2060, ये दोस्तों 36 महीने की फुल रिप्लेसमेंट गारंटी में है और इसका प्राइस इस समय जून 2024 15,500 रुपये आपको पड़ जाएगा। ये मैंने ओपन कर ली है बैटरी और इसमें सबसे पहले आपको जेली मिल जाती है, इसके साथ वारंटी कार्ड निकलता है और 6 वाटर लेवल निकलते हैं।
और इसी के साथ दो नट वोल्ट आपको मिलेंगे नए बैटरी के साथ। तो कुछ इस तरह की ये बैटरी है, जो सीरियल नंबर होता है दोस्तों, यहीं पर ये सीरियल नंबर होता है, इसी से सारी डिटेल निकल जाएगी। जब आपकी गारंटी पीरियड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इंजीनियर इसी से सब कुछ पूरी डिटेल निकाल लेते हैं। और इसके सामने ये लोगो लगा हुआ रहता है। अब इसका हम वजन कर लेते हैं। इसका वेट निकला है दोस्तों 53 किलो 500 ग्राम, 53.5 किलो इसका कंप्लीट वेट है। और बात करें इसके स्क्रैप की, अगर इसमें स्क्रैप की बात करें तो लगभग इसके अंदर 20 लीटर पानी निकलेगा, जो एसिड होता है 20 लीटर निकलेगा। तो लगभग आपका 33-34 केजी इसके अंदर स्क्रैप निकलेगी। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कितना इसके अंदर स्क्रैप निकलेगा और कितना इसके अंदर वेट है। और ये वेकअप कितना दे देगा, 400 वाट पर लगभग 2.5-3 घंटे का वेकअप आएगा, 2.5 से 3 घंटे तक का वेकअप आ जाएगा 400 वाट पर। और दोस्तों इसमें जो स्क्रैप निकलेगी, स्क्रैप इसके अंदर जो निकलने वाली है वो आपकी 33 से 34 किलो के बीच इसकी स्क्रैप आएगी, क्योंकि वजन ही इसका कंप्लीट 53.5 केजी है। अब बात करें इसकी वारंटी की, तो इसकी 3 साल की फुल फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है। कंपनी को आपने 3 साल तक कोई पैसा नहीं देना है अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तो। ये आपको नई डब्बा पैक बैटरी कंपनी बदल कर देगी अगर 3 साल के अंदर ख़राब हो जाएगी। एक मॉडल और आता है 1560 के नाम से ही, वो ये इसका मॉडल आ जाता है TN। अब उसका जो आ जाएगा शॉर्ट IT का STT आ जाएगा, सिर्फ इतना सा अंतर है। तो देखभाल के आप खरीदें, वो लगभग 1000 रुपये आपको कम में मिलेगी। बक्सा आपको सेम मिलेगा, सिर्फ 1 इंच का अंतर रहेगा, बाकी सेम बक्सा मिलेगा। वो शॉर्ट IT होती है और ये फुल IT है। प्राइस का भी मैंने आपको इसमें रिव्यू बतला दिया है। इसके इन्वर्टर का जो प्राइस है इस समय मार्केट में 3700 से 3800 रुपये पड़ रहा है। आपके एरिया में 150 रुपये कम या ज़्यादा हो सकता है, ऐसे ही बैटरी का 100-200 रुपये कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर जगह का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है वो हर एरिया का अलग अलग आता है। तो 150 रुपये या 100-200 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये इसके प्राइस हैं। 3 साल की दोनों की फुल रिप्लेसमेंट गारंटी है। इसकी होम सर्विस होती है दोस्तों, और बैटरी की रिप्लेसमेंट गारंटी होती है, यानी कि बैटरी बदल कर ही आपको दूसरी दी जाएगी। और इसका जो अगर कार्ड वगैरह ख़राब हो जाएगा या ट्रांसफार्मर वगैरह ख़राब हो जाएगा, वो आपका घर पे ही इंजीनियर आकर सही कर जाएगा। तो ये इन्वर्टर और बैटरी का रिव्यू था। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट सेट आपको ये 17,000 रुपये समथिंग पड़ जाएगा अगर आप पूरा कंप्लीट सेट लेना चाहते हैं। और सिंगल सिंगल चीज़ अगर आपको ज़रूरत है इन्वर्टर की, या फिर ज़रूरत है आपको सिर्फ बैटरी की, तो आप अलग अलग भी इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कॉम्बो सेट लेंगे तो आपको लगभग 17,000 रुपये का ये 3 साल की गारंटी में पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा कहीं से भी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।